हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेवीडी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज़ न्यूक्लियर फिजिक्स। दोस्तों आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे एटम्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, ओके, न्यूक्लियर फिजन क्या होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होती है। दोस्तों ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक से दो क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके दोस्तों, एटम्स आने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि हम कहीं भी पढ़ते हैं ये एटम क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, प्रोटॉन्स क्या हैं, अपना मैटर क्या है, हम इसी नॉलेज के रह जाते हैं और इससे आगे बढ़ नहीं पाते और हम इसी कंफ्यूजन को लेके यू नो एग्ज़ाम भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन हमारे डाउट क्लियर नहीं होते। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ आज कि सबसे पहले मैटर क्या होता है। आपके आप जो भी देख रहे हो सब मैटर है। कोई भी चीज़ देख लीजिए, आपके पास पड़ा कप देख लीजिए, आप जिस पे बैठे हो वो बेड देख लीजिए, टीवी देख लीजिए, छोटी सी छोटी चीज़ जो आप देख सकते हो, दैट इज़ मैटर, वन थिंग। अनदर थिंग, वो मैटर जिस भी किसी छोटे से सबसे छोटे पार्टिकल से बना है उसको एटम कहते हैं। उसका डाउट क्लियर, मैटर पता चल गया, वो मैटर सबसे छोटे से छोटे पार्टिकल से जिससे बना है वो एटम है। अब बात आती है एटम की, एटम क्या है दोस्तों, एटम किससे बना है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, ओके। और इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है नेगेटिव, जैसे सन के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में देख भी सकते हो, ओके, एटम का डाउट क्लियर। नेक्स्ट चीज़ प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखो दोस्तों, किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर बोलते हैं, ओके। कोई भी एलिमेंट ले लीजिए आप अपने पीरियोडिक टेबल से, उसके अगर मैं एटॉमिक नंबर पूछूं तो आप क्या कहोगे, क्या होगा, उस एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, दैट इज इट्स एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर नंबर और मास नंबर। न्यूक्लियर नंबर या मास नंबर क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी एलिमेंट का जो एटम के अंदर, एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितने हैं, दोनों का सम होगा हमारा क्या, मास नंबर, ओके। तीसरी चीज़ है दोस्तों, एग्ज़ाम में पूछता है ये तीनों चीज़ें पूछता है वो, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बार पूछा गया। आप SSC का एग्ज़ाम खोल के देखिए, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आया होगा। नेक्स्ट चीज़ अगर आपसे पूछता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, किसी भी अगर एलिमेंट का पूछता है इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हैं, तो वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, उस एलिमेंट का मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब अगर हमें न्यूट्रॉन्स चाहिए तो हमारे पास मास नंबर भी होना चाहिए, एटॉमिक नंबर भी होना चाहिए। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, ओके फ्रेंड्स, डाउट क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल दे रखें, नेक्स्ट इज आइसोटोप्स। देखो दोस्तों, आइसोटोप्स क्या होते हैं, दीज आर दी एटम्स ऑफ दी सेम एलिमेंट विच हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट ए डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो दोस्तों, वो एलिमेंट जिनके एटम्स के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनको कहते हैं आइसोटोप्स। मान लीजिए दो कोई भी एलिमेंट हैं, उनके प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, पहले के भी 10 हैं, दूसरे के भी 10 हैं, लेकिन उनके जो न्यूट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो अलग हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं कि ये दोनों आइसोटोप्स हैं एक दूसरे के, ओके, डन। बाकी यहाँ लिखा हुआ आप एग्जांपल पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। पहले फ्यूजन पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, कोई भी एक एटम न्यूक्लियर फिजन, रेडियोएक्टिव एटम हो, कोई भी एटम अगर स्प्लिट होता है, स्प्लिट समझ, तो एक बड़ा सा मान लीजिए कोई एटम है, आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, एक एटम है आपके पास और वो टूटता है अलग अलग हिस्सों में, उसको कहते हैं फिजन। कोई भी चीज़ अगर टूट के छोटे छोटे हिस्सों में बन जाती है तो उसको कहते हैं फिजन, टूटना। तो यहाँ पर है न्यूक्लियर फिजन। अगर एक एटम आगे स्प्लिट होता है दो एटम में और वो दो होते हैं आगे दो और दो चार में, ऐसी अगर चेन बढ़ती जाती है, एक से दो बने, उन दो से
फिर दो चार बने, ऐसे अगर चेन वाइज स्प्लिट होते जाते हैं तो उसको कहते हैं फिजन। और यही फिजन अगर एटम्स के केस में होती है, हमारे रेडियो एक्टिव एटम्स के केस में होती है, तो उसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। फिजन समझ में आया दोस्तों? यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है, आप ये सब पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फ्यूजन। मैं बिल्कुल लिमिटेड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों, ओके। फ्यूजन क्या होता है? कोई भी छोटे छोटे न्यूक्लियस अगर टूटते हैं, टूटते नहीं हैं, मान लीजिए छोटे छोटे एटम के न्यूक्लियाई जुड़ते हैं तो एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, मान लीजिए कि हमारे पास छोटे छोटे एटम्स हैं और कोई भी छोटी छोटी चीज़ें जुड़कर एक बड़ी चीज़ को बनाती हैं, उसको कहते हैं फ्यूज़न। और यही केस अगर एटम के केस, इसी को अगर हम एटम में के केस में ले लें तो वो हो जाता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। फ्यूज़न मतलब कोई भी एक बड़ी चीज़ टूट के छोटे हिस्सों में बनती है तो फ्यूज़न, कोई भी छोटी चीज़ें जुड़ के बड़ी चीज़ बनाती हैं तो फ्यूज़न, ओके। ये भी आप पढ़ लीजिएगा। एंड यहाँ पे दोस्तों कंपैरिजन दे रखा है फिजन और फ्यूज़न का, एडवांटेज डिसएडवांटेज दे रखी है, आप एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा, इट्स अ वेरी गुड टॉपिक दोस्तों। जो आज भी पढ़ाया गया है, आज थोड़ी वीडियो आई थिंक लंबी हो गई, ये वीडियो में से कम 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे। अगर आपको 6-7 मिनट में 2-3 क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले मिलते हैं तो आई डोंट थिंक कि इट्स नॉट ए यू नो बैड डील, इट्स अ गुड डील ना, ओके फ्रेंड्स। नाउ आई विल रिक्वेस्ट फाइनली अगेन ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स टू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोज़ एंड शेयर आवर वीडियोज़। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।